इतिहास में शर्मसार से भी शर्मसार पूरे भारत में जहाँ जहाँ सदन चलता है विधानसभा का, बिहार ऐसा सदन है कि जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया गया है, ना तो वहाँ हाउस में किसी को बोलने दिया जाता है, ना नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी जब खड़ा होते हैं तो उनको हर एक चीज़ों से वंचित किया जाता है और हम लोगों को रोकने का काम किया जाता है। जब पब्लिक का और महान जनता का जब हम सच्चाई रखने का काम करते हैं, वो पूरे तरीके से खिलबिला जाते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है उन लोगों का। लेकिन जिस तरीके से जो मंत्री जो आप बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हाँ सम्राट चौधरी जिस तरीके से बोलने का काम किए हैं, वो तो हमने भी सुनने का काम किया है कि आप अपना काम कीजिए, तो हाँ व्याकुल नहीं हुई अपना काम कीजिए, इस तरीके का शब्द स्पीकर के प्रति नहीं बोलना चाहिए। और ये साबित हो गया है पूरे बिहार में और पूरे देश में कि किस तरीके से जो सत्ताधारी जो है, जो सुख और अपना जो पॉकेट और जेब में जो पूरा जो बिहार का जो खजाना है जो रखने का काम कर रहे हैं, पूरे तरीके से घबराई हुई है सरकार। और इनसे जी ने भी जिस प्रकार से बयान दिया था गांधी मैदान में फरियाने के बाद, सारे मंत्री के तो वही हाल है लोग। अरे ये सब जितने भी जो लोग हैं, राम सूरत की बात किया जाए, ये लोग सब गुंडे हैं, ये सब गुंडे हैं। और पूरे छात्र के लोग, पूरे बिहार के लोग, महान जनता, ये लोग तमाम तरीके से देखने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से गुंडागर्दी चला रहे हैं लोग। लेकिन गुंडागर्दी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। आप हाउस में आकर के मुंह पे बकबक कर सकते हैं। तो ये है, आज हम लोग संकल्प लेते हैं और कई लोग उनका वक्तव्य हमने यहाँ सुनने का भी काम किया, तो हम ये चाहते हैं कि इस आंदोलन को और जो बेरोजगारी है, भूख है, हत्या है, बलात्कार है, महंगाई है, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। और संकल्प इसमें दिया हुआ है।